कहते हैं कोई भी फाइटर प्लेन तभी अपने मिशन में सफलता पा सकता है जब उस फाइटर प्लेन में आला दर्ज की तकनीक के अलावा हाईटेक मिसाइल भी लगी हो। अब बात अगर F-35 की करें, जो दुनिया में इस समय सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान है। इस विमान में सारे एडवांस फीचर लगे हुए हैं, चाहे वो स्टेल्थ तकनीक हो या फिर नए जनरेशन के रडार। F-35 उनसे भी भयानक वेपन अपने साथ कैरी कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि F-35 जितना अपने फीचर्स को लेकर मशहूर है, उससे ज्यादा वो अपने वेपन्स पैकेज को लेकर फेमस है। यही कारण है कि अब वायुसेना भी अपनी सारे लड़ाकू विमान पर नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल लगाने की तैयारी कर रही है, और इसी को लेकर एक अपडेट ब्रह्मोस की तरफ से सुनने को मिला है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल का अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण किया गया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सरासन पर चढ़ा वो बाण है जो अमोघ अस्त्र की तरह कभी खाली नहीं जाता। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना चाल पर चलती है और 1 मीटर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ हमला करती है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल किसी तय लक्ष्य के आसपास केवल 1 मीटर की गोली के अंदर हमला करने में सक्षम है, जिसे इसका निशाना अचूक रहता है। और इस मिसाइल के आकार के कारण इसे रडार पकड़ नहीं सकते हैं, और ये रडार की रेंज से बचने के लिए भूमि से केवल 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। ब्रह्मोस रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसका प्रमाण हाल ही में पाकिस्तान पर गलती से चले ब्रह्मोस मिसाइल ने दिया है, जिसकी कानो-कान खबर पाकिस्तान को नहीं लगी। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ब्रह्मोस मिसाइल के आ जाने से भारत का पलड़ा भारी हुआ है या नहीं। आप अपनी राय हमें नीचे जरूर बताएं। चलिए शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों, भारत रूस के द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ध्वनि से करीब 3 गुना तेज उड़ने वाला ये मिसाइल न सिर्फ दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बल्कि अपने तेज गति के कारण ये रडार के पकड़ में भी नहीं आ पाता है। ये अमेरिका के हार्पून से बेहतर है, और चीन के पास डॉगफैंग 31 AG अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ब्रह्मोस से बेहतर नहीं है। इसलिए चीन के विस्तारवाद नीति से परेशान बहुत सारे देश दुनिया के इस सबसे तेज और अधिक मारक क्षमता से भरपूर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए बेताब है। अब भारत बाकी महाशक्तियों के साथ साथ हाइपरसोनिक हथियार बनाने के दौर में न सिर्फ शामिल हो चुका है, बल्कि उनसे कोसों आगे है। साल 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का भी सक्सेसफुल परीक्षण किया, जिसे भारत के DRDO ने ही विकसित किया। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस कदम से भारत न केवल सैन्य शक्ति को मजबूत करेगा, बाकी वो एशिया का बड़ा रक्षा एक्सपोर्टर देश भी बनेगा, जिसका शुभारंभ फिलीपींस और वियतनाम से हो चुका है। अब भारत पहले ही ये फैसला भी ले चुका है कि इस मिसाइल को सुखोई विमान के साथ जोड़ा जाएगा। वर्तमान में भारत के 40 सुखोई विमान ब्रह्मोस मिसाइल दागने में सक्षम है, और विमानों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। अंडमान निकोबार में हुआ परीक्षण चीन को ध्यान में रखकर किया गया है। अंडमान बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे प्रमुख सैन्य बेस है। अंडमान पर बनी एयर स्ट्रिप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह पूरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को सुरक्षा देती है। वहीं बंगाल की खाड़ी के पास ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का का चेक पॉइंट है, जो अंडमान के बिल्कुल पास है। यहां से चीन का 80% व्यापार होता है, और चीन के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से लेकर तेल तक यहीं सबसे ज्यादा है। ऐसे में भारत का अंडमान में सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का यह परीक्षण करना चीन की नौसेना और सरकार को संदेह है कि भारत हिमालय में उनकी किसी भी उकसावी की कार्रवाई का जवाब समुद्र से भी दे सकता है। हाल ही में चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर कई बंदरगाहों को चीन अपने कब्जे में लेकर भारत को घेरना चाहता है। जिबूती, ग्वादर, हवनटोटा जैसे बंदरगाह इसी का प्रमाण है। चीन हिंद महासागर की शक्ति बनना चाहता है, इसलिए भारत ने दक्षिण में तमिलनाडु में तांजावुर में ब्रह्मोस दागने में सक्षम सुखोई विमानों को तैनात किया है। सुखोई खुद 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है, और मिड एयर रिफ्यूलिंग के बाद ये दूरी और ज्यादा हो जाती है। ब्रह्मोस की वर्तमान मारक क्षमता 400 मीटर है, इसे बढ़ाकर 800 मीटर किया जाएगा। सुखोई और ब्रह्मोस के दम पर भारत तांजावुर देश से पूरे हिंद महासागर को अपने सैन्य पहुंच में रख सकता है। अब इसकी वजह से भारत चीन की किसी भी योजना को सफल होने से रोकने में सक्षम है। ब्रह्मोस जैसे हथियार के कारण भारत अपने बल पर चीन की चुनौती का सामना कर सकता है। अब जरूरत है स्वदेशी हैवी वेट एयरक्राफ्ट की, जो सुखोई जैसे विमानों का विकल्प बनकर भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना दे। इसके अलावा भारत को ब्रह्मोस को राफेल के साथ जोड़ने का काम भी पूरा हो गया है। हालांकि ये बड़ा कठिन प्रोजेक्ट था, क्योंकि राफेल फ्रेंच तकनीक पर आधारित है और ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित है। लेकिन भारत ने जैसे इजरायली मिसाइल को रूसी हेलीकॉप्टर पर तैनात करने जैसा कठिन प्रोजेक्ट पूरा किया था, वैसे ही अब भारत ने राफेल के साथ भी ये काम कर लिया है। अब भारत की तकनीक से विकसित तेजस पर इसराइल और फ्रेंच मिसाइल तैनात कर चुका है, वैसे ही राफेल को भी ब्रह्मोस से जोड़ दिया गया है। जहां तक उम्मीद है, भारत अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए
राफेल विमान नहीं खरीदेगा, इसलिए विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात। ब्रह्मोस और राफेल की जोड़ी भारत की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, जिसे चीन का सामना करने में अब हम दोबारा 1962 वाली गलती नहीं करेंगे और अब की बार चीन की कहकर लेंगे। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पंडित नेहरू के जमाने से अपनी सुस्ती और सफलता से अधिक असफलता के लिए मशहूर DRDO अब आग लगा चुका है और उसमें एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना 1958 में भारतीय रक्षा सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों से लैस करके उसे मजबूत करने की नजर से की गई थी, जो पिछले 65 साल में कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि DRDO अपनी स्थापना के 65 सालों के बाद अपने विजन पर सफल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या बदला जिससे अचानक से ये संस्थान भारत को डिफेंस एरिया में ताकतवर बनने की ओर बढ़ चुका है? तो दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि मोदी सरकार के द्वारा DRDO के पीछे स्टार्ट करने और जवाबदेही तय करने के कारण हुआ है। पिछले कुछ महीने की बात करें तो चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद से भारत ने पिछले 45 दिनों में 12 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये सभी परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए मिसाइलों का ही किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल सॉरे एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि SA-NT मिसाइल से लेकर पृथ्वी 2 मिसाइल और ब्रह्मोस तक का परीक्षण किया गया था। जब से DRDO की स्थापना हुई है, तब से देखा जाए तो इसकी सफलता से असफलता की लिस्ट ज्यादा लंबी चौड़ी है। DRDO का रिकॉर्ड भी बाकी चीजों की तरह सुस्त और असफलता से भरा पड़ा है। लेकिन जब सरकार बदली और साल 2014 में मोदी की NDA की सरकार बहुमत के साथ आई, तो DRDO की असफलता को देखते हुए पीएम मोदी ने इसे सुधारने का जिम्मा खुद लिया और इस संस्थान के पीछे स्टार्ट किए। उस दौरान कई नौसैनिक जहाजों, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM और एडवांस लाइट टुवार्ड एरे सोनार यानी कि ALPS सिर्फ DRDO की असफलता के कारण नहीं लाया गया था, INS कोलकाता को भी लंबी दूरी के SAM सिस्टम और ALPS के बिना ही कमीशन किया गया था। इससे पीएम मोदी बेहद नाखुश हुए थे और उन्होंने DRDO को नोटिस दे दिया था। पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से DRDO को एक सख्त संदेश देते हुए संगठन के समारोह के दौरान अधिकारियों से कहा था कि आप अपने चलता है वाले रवैयों को छोड़ दें, जिसके बाद से DRDO एक्टिव मोड में आ गया। इसका नमूना हमें अब देखने को मिल रहा है, जब भारत ने चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद 45 दिनों में 12 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अब ये संस्थान पटरी पर लौट आया है और जिस काम के लिए इसकी स्थापना की गई थी उसमें सफल हो रहा है। इसी तरह चलता रहा तो भारत में कई नए डिफेंस तकनीक विकसित किए जाएंगे और भारत इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा, जिससे भारत जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा। हाल ही में ये खबर भी आई है कि भारत अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात करेगा, जिससे भारत युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की एक तिहाई एयर स्पेस को पूरी तरीके से अपने दबाव में ले सकता है। मोदी सरकार सीमा सुरक्षा के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और जिस दृढ़ निश्चय के साथ अपना पक्ष रख रही है, उससे ये साफ पता चलता है कि भारत अकेले चीन तो क्या, चीन और पाकिस्तान के संयुक्त मोर्चे से भी युद्ध करने को तैयार है।